सौराष्ट्र नु अग्रिम गणातू गोंडल मार्केटिंग यार्ड में विविध जणसी की आवक नोंधाई थी। लाभ पांचम दिवसे विविध जणसी की आवक थी थी। मगफड़ी लसण सोयाबीन तेमज डूंगी कपास सहित जणसी की आवक नोंधाई थी। मगफड़ी अंदाजे 1.10 लाख गुणी की आवक नोंधाई थी। 20 किलो भाव में 900 से 1250 सुधी भाव बोलायो हतो। यार्ड में सोयाबीन अंदाजे 50,000 कट्टा की आवक नोंधाई थी। हराजी में सोयाबीन 20 किलो भाव 750 से 900 सुधीना बोलाया था। कपास की 15,000 भारी की आवक नोंधाई थी। कपासना 20 किलो भाव 1,450 से 1,550 सुधी भाव बोलाया था। डूंगी की 30,000 कट्टा की आवक नोंधाई थी। डूंगी 20 किलो भाव 400 से 981 सुधी बोलायो हतो। आज सवार थी गोंडल मार्केटिंग यार्ड में अमरा समग्र यार्ड वेपारी अमरा वॉक्समेनों ब्राह्मणों द्वारा विधि करी हाथ जोड़ करी अमे आज थी मार्केटिंग यार्ड नु कामकाज विधिवत चालू करवामां आव्युं हतुं। जे रीते गोंडल मार्केटिंग यार्ड पर खेडूत ने भरोसा छे ई रीते मार्केटिंग यार्ड आखे आखू माल थी छलोछल छलकी गयु छे। त्यारे मगफड़ी की आवक 1,00,000 से 1,10,000 गुणी जेवी मगफड़ी की आवक थई हती। सोयाबीन की आवक 50,000 बोरी जेवी सोयाबीन की आवक थई हती। डूंगळी नी पण 30,000 बोरी जेवी आवक थई हती। गोंडल मार्केटिंग यार्ड में समग्र जणसी की आवक अत्यारे चालू छे। अमे एवा प्रयत्न करवा जई रह्या छी के गोंडल मार्केटिंग यार्ड में जनरली आवक बंद थाय नही अने मगफळी सोयाबीन के डूंगळी ई सखत चालू ज रहे 24 कलाक एवा प्रयत्न अत्यारथी चालू छे। लगभग एमां अमे सफल पण थई जासू। ज्यारे गोंडल मार्केटिंग यार्ड में मगफळी ना भाव 900 रूपया थी 1,300 रूपया सुधी आजे भाव चालू छे। ऑक्शन चालू छे एमां हराजी में जाय छे। ज्यारे सोयाबीन ना भाव 800 से 900 रूपया सुधी अत्यारे जाए छे। ज्यारे कपास ना भाव 1,300 से 1,550 रूपया सुधी अत्यारे जाए छे अने अत्यारे ऑक्शन चालू छे। आवी रीते गोंडल मार्केटिंग यार्ड आजे अमारा भगवान थी भराई गयु छे अने अमने खूब आनंद छे के खेडूतो खूब अमे महीडा सवार मां खूब खुश छे। आवी रीते गोंडल मार्केटिंग यार्ड नुं कामकाज आज थी विधिवत चालू थई गयु छे। मगफळी सोयाबीन अने डूंगळी नी पण आवक अत्यारे मार्केटिंग यार्ड मां चालू छे।